बात कैसे हुई मुझे लेटर लिखने की? तू समझता क्या अपने आप को? तुझे मैंने थोड़ी इज्जत क्या दे दी तो तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा? पर यार एक बार लेटर तो पढ़ लेती, बिना पढ़े तूने मुझे मार दिया। बदतमीज इंसान, एक तो गलती करता है, ऊपर से जबान लड़ा के बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है। निकल जा यहाँ से वरना आज मेरे हाथों से मर जाएगा तू। छोड़ना यार, पहले से साथ में पढ़ रहे हैं, अब स्कूल के 5-7 दिन बचे हैं और तुम दोनों इतना ज्यादा कलेश कर रहे हो। हाँ भाई, पता नहीं क्या हो गया इसे, इतनी सी बात पे कलेश कर रही है। इसे एक लेटर ही तो दिया है यार, उसे बिना पढ़े इतना बड़ा इशू बना रही है। भाड़ में जा तू और तेरा ये लेटर। यार शीतल शांत हो जा, क्यों इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोल के कलेश कर रही है और स्कूल की पुरानी यादों को बर्बाद करने पे तुली है। शेखर तू इसके चक्कर में मुझसे मत उलझ, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। जाने दे मुझे। शीतल देख रहा है यार, इतना सुना के चली गई मुझे, इसने तो दोस्ती को बदनाम कर दिया यार। बदनाम तो साले तू करने पे तुला है दोस्ती को। तुझे पता था कि मैं शीतल को प्यार करता हूँ, पर नहीं तुझे बात झेली नहीं, तूने जाके उसे प्रपोज कर दिया, इसलिए तू दोस्ती की बातें ना ही करे ना, वो अच्छा होगा तेरे लिए। और मुझे पता है तेरे चक्कर में ही आज शीतल स्कूल नहीं आई, समझ गया तू? पीठ पर खंजर घोपने वालों के मुंह से प्यार और मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। चल अब निकल जाए यहाँ से, आज के बाद मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तूने दोस्ती में ऐसा धोखा दिया है ना जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा और हर बार मुझे सताएगा, और जब भी मैं किसी दोस्ती करूँगा तो हमेशा मुझसे कहेगा कि नहीं मत कर, क्योंकि तेरा पिछला दोस्त दगाबाज था, धोखेबाज था। पर यार शेखर मेरी बात तो सुन ले। अरे यार कहने सुनने को बाकी रह क्या गया है, बचपन से तेरी मेरी दोस्ती थी, हद से ज्यादा ट्रस्ट था तुझमें मुझको। पर नहीं यार, साला कहते हैं ना कई बार कुछ अपने ऐसे होते हैं जो अपनी पीठ पर खंजर घोपते हैं, और तू भी ऐसा ही है, समझ गया तू? निकल जा यहां से, प्लीज मेरा मुंह मत खुलवा। मैं निकल यहां से। इंसान की जिंदगी में दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरी जिंदगी में भी मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। शीतल और मयंक मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आज मेरे दोस्त ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने ऐसा काम किया है जिसकी मुझे उससे कभी भी उम्मीद नहीं थी। शेखर यार पता नहीं ये कहां से आ गया, दिमाग खराब कर रखा इसने। आ जा बैठ जा। और शेखर क्या चल रहा है? अरे भाई फालतू की बकवास तो कर मत, समझ गया ना, तेरे को अपने साथ बैठने दे रहे हैं वही काफी है, वो तो मैडम ने कहा है इसलिए हमारी मजबूरी है, वरना तेरे को अपने साथ बैठने कौन देगा? चुप करके काम कर ले, समझ गया ना? ऐसे क्यों बात कर रहा है भाई, क्या हो गया? तो क्या करूं, तेरे को इनाम दूं? काम कैसे करें, तूने अपनी करतूतें देखी है? अबे तेरे को तो दोस्त कहने में भी शर्म आती है, कितना भरोसा था तेरे पे मेरे को। पर यार तूने इतना धोखा दिया है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता, तू दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है भाई, इसलिए चुप कर जा, मुझसे जवान मत लड़ा, मेरे को काम करने दे बस। अरे शीतल इसको क्या हो गया यार, ये क्यों ऐसे कर रहा है? चुप हो जा, दिमाग मत चाट हमारा, ठीक है ना? वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें तेरे साथ असाइनमेंट करना पड़ रहा है, वरना हम तो यहाँ पे तेरे को बैठाते भी नहीं। शक्ल देखी तूने अपनी यहाँ बैठने की? शीतल वो लेटर शायद तूने पढ़ा नहीं, अगर तूने उसे पढ़ा होता ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। अपनी ना ये गंदी बकवास बंद कर ले, वरना तेरी जबान खींच लूंगी मैं। मैं ना तेरी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वो तो तू मेरा बचपन का दोस्त ठहर गया, वरना अब तक तो मैं तुझे थप्पड़ मार देती। बदतमीज कहीं का, दुखी कर दिया इसने। यार तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। यार इसे तो कुछ बोल के फायदा नहीं, अपना अपना काम करते हैं। शेखर यार ये क्वेश्चन जरा सर्च करिए, इसका आंसर क्या है? अबे ओ हम नहीं कर रहे तेरा कोई क्वेश्चन सर्च, ठीक है ना? अपना ना लैपटॉप खुद लेके आ और खुद देख और खुद पढ़, फ्री का नहीं आ रहा लैपटॉप, लैपटॉप में ना पैसे लगते हैं, लैपटॉप खरीदने की औकात नहीं है और हमसे ऐसे बोल रहा है। चलो यार असाइनमेंट खत्म हो गया, अपना पार्टी वार्टी करेंगे। तू क्या है, तू निकलना है ऐसे, चल जाना। अजीब बंदा है यार, इसने दुखी कर रखा है ना, दिमाग चाट गया यार ये। मतलब यार मेरे को तो अभी भी भरोसा नहीं होता कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है, कितना भरोसा था मेरे को इस पे। छोड़ यार हम कहीं चलते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे।
शेखर इधर आ, तेरे से कुछ बात करने वाली। जी भैया बोलिए। एक बात बता, तू मैंग से क्यों लौट रहा था? तेरे को तमीज़ में नहीं है क्या? पता ना वो कितना अच्छा लड़का है, हमेशा तेरी पढ़ाई में मदद भी करता है, ऐसे किसी से लड़ते नहीं है। और ना जाके मैंग से माफ़ी मांग लियो, चाहता तो मैं तेरे को तभी बोल सकता था। मैंने कहा दोस्तों के बीच में टोकूंगा तेरे को इंसल्टेड फील होगा, इसे उस टाइम बोला नहीं मैंने। आगे से कभी बैंक से मत लड़िए, बहुत अच्छा लड़का है वो। भैया प्लीज़ आप मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत किया कीजिए। मैं कभी आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करता हूँ? जब आप अपने दोस्तों से लड़ते हो मैं कुछ कहता हूँ, इसलिए अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझे आप? अभी तू इतना बड़ा नहीं होगा कि तू मेरे से जबान लड़ाए, समझ रहे ना? होश संभाल ले, इतना दो थप्पड़ मार के तेरी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा मैं। आगे से ना मेरे से बदतमीजी मत कर दियो, और बोल दिया ना बैंक से माफ़ी मांग तो माफ़ी मांगेगा तू। बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है अपने छोटे भाई से प्यार करना, पर आप तो बस मुझे सुनाते रहते हैं, अकड़ दिखाते हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। शेखर पापा ने इसको सर पे ज्यादा ही चढ़ा दिया है, बदतमीज। शेखर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करना चाहता है तू? तेरे दिल को चैन नहीं मिला क्या यार? इतने पर भी तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया यार। नहीं रखनी हमें तुझसे कोई दोस्ती, क्योंकि तूने दोस्ती को शर्मसार किया है। तुझ पे जितना भरोसा था ना, सारा का सारा तोड़ दिया तूने। अब तो मुझे नए दोस्त बनाने से भी डर लगता है। पर यार मैं तुम दोनों का बचपन का दोस्त हूँ, मुझे एक मौका तो दो मेरी बेगुनाही साबित करने का। अगर गुनाह छोटा होता तो माफ कर दिया जाता, लेकिन तूने हमारे दिल पे खंजर घोपा है, खंजर। अरे मैंने तो तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो ऐसी हरकत की है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तू ही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा दोस्ती पर से भरोसा उठ गया है। अब तो मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। दोस्त दोस्त कह के तूने जो किया है ना, उसके बारे में तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। देखो पता है हम तीनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, और आज भी मुझे कई बार रातों में हम तीनों की दोस्ती की याद आती है। पर यार जो काम तूने किया है ना, उसके बाद तो मुझे तुझसे घिन आने लगी है और खुद से नफरत होने लगी है कि मैं तुझे अपना दोस्त कैसे बना सकता था। भाई अब प्लीज़ हमारे सामने मत आया कर, क्योंकि अब अगर हमारी मुलाकात होगी ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही होगी, हमें तकलीफ ही होगी, क्योंकि हमें पुरानी यादें आएंगी। इसलिए यार प्लीज़ बख्श दे हमको और निकल जाए यहाँ से। भाई मैं जितना बोलना था ना तुम दोनों बोल लिए, और मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा ना उस दिन तुम रोओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे। अरे बस भाई बस, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। आज स्कूल का लास्ट दिन है, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे के शर्ट पर नाम लिख रहे हैं, स्कूल की कुछ ऐसी यादें लिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं उन्हें फ्यूचर में। लेकिन इसी खुशी के बीच में तीन बच्चे जिनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, खामोश बैठे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे तुम तीनों इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो स्कूल का लास्ट डे है और तुम तीनों की दोस्ती तो पूरे स्कूल में मशहूर थी। आज देखो सब फेयरवेल के दिन कितने एंजॉय कर रहे हैं और तुम तीनों ऐसे उदास बैठे हो। भाई क्या बात है, कोई तो मुझे कुछ बताओ। इसे पता था कि मैं शीतल को लाइक करता हूँ, फिर भी इसने दोस्ती में दगाबाजी करके शीतल को लेटर लिखा। इसे पता था कि मैं शेखर को लाइक करती हूँ, फिर भी इसने मुझे लेटर दिया। अरे यार
मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आया और तुम तीनों ने आधी सच्चाई जानकर अपनी दोस्ती में दरार डाल ली। तुम्हें पूरी सच्चाई मैं बताता हूँ। अरे मयंक, ये तो लव लेटर किसके लिए लिख रहा है? प्यार व्यार हो गया क्या तुझे? अरे नहीं यार, शीतल और शेखर है ना, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे से कह ही नहीं पाते, तो मैं इसलिए ये लेटर लिख रहा हूँ। पता है, मैं इसमें शेखर की वो फीलिंग लिख रहा हूँ जो उसने मुझे बताई है शीतल के बारे में। ये लेटर लिख के मैं शीतल को दे दूँगा और फिर वो जब मेरे से पूछेगी कि किसने दिया तो कह दूँगा कि शेखर ने दिया है। वाह यार, ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, कर भाई कर। अरे यार, दोस्ती के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। सही बात है। अरे यार, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आधी सच्चाई जान के मयंक को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। मयंक तो यार सच में बहुत अच्छा दोस्त है। तेरे को पता है, दोस्ती का रिश्ता मतलब बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है, और अगर दोस्त स्कूल के हों तो फिर तो कहने ही क्या। कई बार स्कूल लाइफ में ऐसा होता है कि हम स्कूल में अपने जिगरी दोस्तों से लड़ बैठते हैं और उसके बाद हमें असलियत मालूम पड़ती है कि हमारे दोस्त तो गुनहगार थे ही नहीं, और फिर हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम माफ़ी नहीं मांग पाते क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद दोस्त अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं और बहुत कम ही दोस्त ऐसे होते हैं जो आपस में मिल पाते हैं। लेकिन घरवाले की दुआ से मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं तुझसे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि स्कूल के दोस्त अगर स्कूल के बाद भी साथ रहें तो ये बड़े किस्मत की बात होती है। और भाई, मेरा भी वादा रहा, आज के बाद चाहे हमारी दोस्ती में कितनी भी गलत फहमियाँ क्यों ना आए, मैं उन गलत फहमियों को अपनी दोस्ती के आड़े नहीं आने दूंगा, क्योंकि यार मेरे को आज पता चल चुका है कि गलत फहमी बड़े से बड़े रिश्ते को ख़राब कर देती है। अगर गलत फहमी आती है तो हमें उस गलत फहमी की तह तक जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सच्चाई पता करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भाई, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ पर तू कुछ बोल ही नहीं रहा, शायद तूने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ यार, माफ़ कर देना मुझे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ यार, मैं मुझे माफ़ कर दूँ। मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। रुको, मैं तुम दोनों को तभी माफ़ करूँगा जब तुम एक दूसरे को प्रपोज करोगे। अबे साले, अब क्या छुपे, अब तो प्रपोज कर। आई लव यू। अबे चलो यार, आज तो लास्ट दिन है, दोस्ती को भी कुछ टाइम दे दो। चलो। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप लोगों को अभी भी अपने स्कूल के दोस्तों की याद आती है। अगर आपको अपने स्कूल के दोस्तों की याद आती है तो प्लीज़ कमेंट में उनके नाम भी बताइए, और साथ ही ऐसी कोई याद बताइए जिसको याद करके आप आज भी हंसते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह एक गलत फहमी बड़े से बड़े रिश्ते को ख़राब कर देती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।